हेलो दोस्तों, ये हमारा ES200 जो है वो कंट्रोलर है डोरमा का, डोरमा ES200 कंट्रोलर। सो ये ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर है, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं और इसकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या प्रोग्रामिंग इसकी कैसी है, क्या कैसे इसका कंट्रोलर स्विच है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो कंट्रोलर है उसके अंदर की वायरिंग बता देता हूँ कि उससे डिवाइस कैसे कैसे कनेक्टेड हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, मैंने कंट्रोलर में जितनी पिन है उनका नंबर लिख रखा है मैंने ये, और उनके ऊपर क्या सिंबल है वो लिख रखा है। जैसे हम चलते हैं स्टार्टिंग से, तो अगर हम जैसे एक बार मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है डोरमा ES200 कंट्रोलर वायरिंग। ओके, ये पूरा मैंने बना रखा है आपको, और ये आपको कैसे कनेक्शन कनेक्ट करना है, आपको ट्रांसमिटर रिसीवर का, आपको एक्सटर्नल रडार सेंसर का, इंटरनल रडार सेंसर का, आपको प्रोग्राम स्विच का, और अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक है उसके लिए, और आपके पास मोटर के कनेक्शन कैसे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने एक ही डायग्राम में बना दिए आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा जो है वो कंट्रोलर की पिन्स हैं सारी, ये जो कंट्रोलर है उसके पिन है ये सारी। तो एक एक पिन का देख लेते हैं कैसे कनेक्शन है। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे वन नंबर पे जो है वो ये प्रोग्राम स्विच, वन से छः तक जो है हमारे प्रोग्राम स्विच के लिए, ये देखिए प्रोग्राम स्विच के लिए ये, इसका मतलब है कि डोर क्लोज रहेगा हमेशा। इसका मतलब है दोनों तरफ से, अंदर से बाहर से दोनों से सेंसर से काम करेगा। इसका मतलब ये है कि अंदर से काम करेगा। इसका मतलब ये है चार नंबर पे कि इसका मतलब भी यही है कि बाहर से काम करेगा, ऐसा कुछ है। और इसका मतलब जो है वो हमेशा खुला रहेगा, और ये हमारी जीरो वोल्ट है यानी कि ग्राउंड है हमारा। ये उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारे एक से छः नंबर के करस्पॉन्डिंग हमारे ये कौन सी वायर है ये है, और ये प्रोग्राम स्विच में जा रहा है। हम जैसे जैसे सेलेक्ट करते हैं इसको, ये यहाँ पर एक वो होता है रोटेशन स्विच, उसको जैसे जैसे सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमें दोनों तरफ से चलाना है तो दो नंबर पे सेट हो जाता है, और एक पे सेट करेंगे इसको तो हमेशा बंद हो जाएगा डोर। अगर एक तरफ बनाना है तो उसको तीन नंबर पे सेलेक्ट कर देंगे, तो जैसे ये इसका है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये आता है, जैसे डोर है, डोर को हमें मैकेनिकली ऑफ़ करना है। जैसे ये देखिए लॉक है, मैकेनिकली लॉक करना है डोर को, यानी कि कोई भी सेंसर से भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, ना बटन से, वो लॉक हो जाएगा। तो देखिए 9 नंबर जो है हमारी 27 वोल्ट है, 10 नंबर हमारा लॉक का है, 11 नंबर जो है हमारे एक जस्ट रिले की तरह काम करेगा, 12 नंबर अनलॉक है, और 13 नंबर जो है वो 0 वोल्ट है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, 9 10 से वायर गई और हमारी वायर से गई, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। ये लॉक अनलॉक करने के लिए एक ऐसा, उसमें ऐसे हम स्प्रिंग होता है उसको यूँ खींचते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। उसके बाद ये वाला बोर्ड जो है हमारा, ये है ये प्रोग्राम करने के लिए डिस्प्ले है। यहाँ पर ये एलईडी होगी हमारी, सेमी सेगमेंट एलईडी होगी। ये 1 और 2 जो होते हैं एलईडी स्टेटस हैं, ये इंटरनल सेंसर और एक्सटर्नल सेंसर के लिए। ये प्लस और ये माइनस ये जो हैं ये हमारे प्रोग्राम को अप एंड डाउन करने के लिए, और सेलेक्ट जो है वो सेलेक्ट करने के लिए, सर्विस सर्विस करने के लिए। तो आपको प्रोग्राम करना कैसे होता है, प्रोग्राम का डेटा मैं आपको दे दूँगा, कैसे प्रोग्राम का आपका डेटा करना है, कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, मैं अभी इसमें दे दूंगा। उसके बाद अगर आपको प्रोग्राम करना हो, मान लीजिए आपको गेट की स्पीड जो है वो स्लो करनी है, ओपनिंग स्पीड स्लो करनी है या फास्ट करनी है, उसका एक पैरामीटर है, और फिर कई सारे उसमें पैरामीटर हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि स्पीड स्लो करने के लिए और फास्ट करने के लिए, तो उसके लिए पहले क्या करना, आपको सेलेक्ट बटन दबाना पड़ेगा ये, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पैरामीटर हो जाएगा, उसको अप करेंगे, उसको डाउन करेंगे, फिर दोबारा सेलेक्ट दबाएंगे तो हमारा वो पैरामीटर सेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, इस सेक्शन पर आते हैं। 14 15 16 जो पिन है नंबर है हमारी, 14 पर जो हमारे 27 वोल्ट है, 15 पर जो हमारे एक रिले की तरह काम करेगा, 16 पर जो है हमारा एक ग्राउंड है। तो जैसे कि मैंने ये बताया, ये जो है हमारा एक्सटर्नल रडार सेंसर है, यानी कि हम जो है हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए ये इसको 27 वोल्ट दे देंगे इसको जो सेंसर है, फिर ये हमारा ये एक रिले की तरह काम करेगा,
और 0 वोल्ट दे दिया, तो ये हमारा एक्सटर्नल रडार सेंसर हो गया। ऐसे ही हमारा जो है इंटरनल रडार सेंसर है, उसमें हम देख लेते हैं, 27 वोल्ट दे दिया इसको हमने, और ये 18 वोल्ट दे दिया हमने, वो 18 कनेक्शन कर दिया इसमें, और 19 जो हमारा ग्राउंड है, तो ये भी सेम दोनों कनेक्शन है एक तरीके से। तो ये सेंसर जो डिपेंड करता है कि कौन सा हम सेंसर ले रहे हैं, कई तरह के सेंसर होते हैं। अगर दूसरा सेंसर हम लेंगे तो उसमें वायरिंग डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि मैं अभी उस पर जाऊँगा आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा, तो उसमें प्रोग्रामिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। फिर जैसे कि ये होता है बीम के लिए, जैसे डोर है डोर के एक साइड में बीम होगा और दूसरी टाइम में एक बीम सेफ्टी के लिए होगा कि बंदा बीच में आ जाए तो डोर बंद ना हो, तो उसके लिए एक ट्रांसमीटर रिसीवर होगा। इसमें क्या होगा, दो सेक्शन होते हैं, यानी कि हम दो ट्रांसमिशन रिसीवर हम इसमें लगा सकते हैं, पहला ये है दूसरा ये है। तो वायरिंग देख लेते हैं, ये हमारा ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर वन है, ये ये रिसीवर वन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अंदर जा रहे हैं तो ये बीम है, बीम क्रॉस होगा और सिग्नल लॉस हो जाएगा, तो 25 है, 25 ये 27 पावर सप्लाई 25 नंबर से इसको दे दी। फिर ये हमारा जो है वो रिसीवर है, तो रिसीवर का वायर इधर आ गई, फिर इसको एक ग्राउंड देना, हमें ग्राउंड हमने यहाँ से दे दी। फिर ट्रांसमीटर के लिए केवल 2 वायर होंगी, एक पावर सप्लाई इसको दे दी और एक 28 से इसका रिले की तरह जो काम करेगा ट्रांसमीटर वो उसका है। ऐसी सेम इस वाले सेक्शन के लिए हैं, सेम इस वाले के सेक्शन के लिए वायरिंग है और सेम इस वाले के लिए, ये हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी हम लूपिंग कर देंगे, स्टॉप के लिए हैं, तो स्टॉप के लिए हमारा जो है वो कोई स्टॉप नहीं करना है हमें हमेशा के लिए, तो इसको भी यहाँ पर हम एक लूप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन जो होता है, इसको 35 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई चाहिए होती है हमारे बोर्ड को, जो हमारा ES200 कंट्रोलर है उसको, तो ये पावर सेक्शन से आएगी 230, वहाँ से इसको जो है वो 35 वोल्ट मिल जाएगा। फिर ये बैटरी बैकअप के लिए हैं, ठीक है। फिर हमारी मोटर जुड़ी होगी, ये मोटर है, मोटर यहाँ पर एनकोडर लगा होगा, ठीक है, और कंट्रोलर के अंदर ही ये से ही ये मोटर के लिए आउटपुट निकलता है, ये कंट्रोलर के अंदर होता है ये है, ठीक है। ये पावर सप्लाई के लिए हो गया और ये अर्थिंग के लिए हो गया, ओके। अगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई सेफ्टी नहीं है, मान लीजिए ये डबल जो है वो सेफ्टी के लिए लगा रखा है, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर है, तो एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर और दूसरा नहीं है, तो दूसरे में लूपिंग कर देंगे। लूपिंग किस में कर देंगे, ये 21 नंबर और 23 नंबर है ना ट्रांसमीटर और रिसीवर का, इस पर यहाँ पर ऐसे लूपिंग कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पर अगर दो ट्रांसमीटर रिसीवर है तो उसके लिए वायरिंग बना रखी है मैंने, अगर एक होगा तो एक दिया, दूसरे में हम जो है ट्रांसमीटर रिसीवर के जैसे 21 नंबर और 23 नंबर यहाँ पर उसको लूपिंग कर देंगे। अगर यहाँ भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो इसमें भी हम 27-28 नंबर का ट्रांसमीटर रिसीवर का उसमें लूपिंग कर देंगे उसको कैंसिल करने के लिए। तो ये हमारा एक मैंने आपको जनरल बता दिया, मैं आपको ऊपर से देख बता रहा हूँ, देख लें आप पूरा डायग्राम अच्छे से देख लें, मैंने ये बना रखा था आपके लिए। अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट में लिख दें, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, बिल्कुल आप देख लें। थैंक यू सो मच।